Dear children, now we are going to do rest of the drama. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो जॉन बाथविक है उसका बेटा है जैक बाथविक बहुत बिगड़ा हुआ है और ये हमें वो जो अन्नू लेडी एपिसोड है ना उससे अच्छी तरह से पता लग गया। अब तक हम लोगों ने अन्नू लेडी एपिसोड तक ख़त्म किया है। अच्छा, इसमें अभी मैं आप लोगों को केवल समरी बता रही हूँ, हिंदी में बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें, फिर हम इसको बाद में रीड करने वाले हैं। रीड भी करूँगी मैं इसको, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इसकी केवल समरी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक ड्रामा पूरा एक आउटलाइन जैसा आप लोगों को पूरा इसमें समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या होता है, अननोन लेडी चली जाती है। अच्छा, जैक जो है ना वो अपने फादर को एक बात तो बोलता है, बोलता है आपने मेरी हेल्प नहीं की होती, उस अननोन लेडी को पैसे नहीं दिए होते अगर आपको अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं होती, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरा नाम न्यूज़पेपर्स में, यानी जॉन बाथविक का नाम न्यूज़पेपर में आ जाएगा, उसकी रेपुटेशन ख़राब हुई होगी, ये सब ठीक है। वो ये बात कर ही रहे होते हैं, इतने में मॉर्लो आता है। मैंने आपको पहले बताया था कि मॉर्लो जो है वो देखता है, क्योंकि उसके हाथ में सब है ना, सब कुछ, सब देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी, क्योंकि वो बटलर है यानी कि हेड सर्वेंट। अब मॉर्लो आके बोलता है उसको, जॉन बाथविक को, कि सिल्वर सीक्रेट बॉक्स जो है, जो उनके घर का जो खानदानी सीक्रेट बॉक्स था वो गायब है। ये सारे जो इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ ये एक्ट वन के हैं सारे, ओके। सीन ज़रूर चेंज होंगे लेकिन ये अभी तक एक्ट वन चल रहा है, ठीक है। तो वो बोलता है, वो उससे सारी बात पूछता है कि भाई तुमने कहाँ रखा था, बोलता है मैंने तो लास्ट नाइट ही रखा था, अब तो दिख भी नहीं रहा है। वो तो सबसे पहले घर में कौन आया, उसको बताता है कि जो मिसेस जोन्स जो है वो घर में सबसे पहले आई थी सुबह सुबह, क्योंकि वो साफ़ सफाई करने वाली लेडी थी। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, मिसेस जोन्स को बुला। अच्छा, अब जब मिसेस जोन्स और मिस्टर जॉन बाथविक के बीच जो बातचीत होगी, वो दोनों क्या बात करते हैं और यहाँ मिसेस जोन्स और जोन्स के बारे में क्या पता लगता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट्स गोइंग टू थ्रो सम लाइट ऑन द कैरेक्टर ऑफ एवरीबडी इन ऑल, ओवरऑल जो भी सारा जो है बहुत काफ़ी हमको यहाँ पता चल जाएगा। अच्छा, मिसेस जोन्स आती है तो उससे वो बातचीत करता है, उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में तुम कितने मेंबर्स हो, उससे वही सारी बातें वो बताती है कि उसके 3 बच्चे हैं, वो कहाँ कहाँ काम करती है, कितने दिन काम करती है, ये सब सारी बातें। ये सारी इंक्वायरी जब मिसेस जोन्स से चल रही है तो उस दौरान वहाँ पर जब मिसेस जोन्स और मिस्टर जॉन बाथविक, ध्यान रखना आप कि कैरेक्टर जो मेन जो है इसका वो है जॉन बाथविक, जो लिबरल पार्टी का MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इसके राइटर का नाम भी जॉन गेंसवर्दी है। तो आप लोग जॉन और जोन्स, मिसेस जोन्स जो हम बोल रहे हैं JONES, वो जोन्स है, ठीक है। और जो जॉन बाथविक यानी उसका स्पेलिंग JOHN और उसके बेटे का नाम जैक है, तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होना है। अब वो जो मिसेस जो जोन्स है वो बताती है कि उसका हस्बैंड, उन्होंने मतलब ऑब्वियस सी बात है मैरिज की थी, उनका अफेयर था, और इस तरह की बातें सारी बताती है वो। तो उसकी बातों से जब वो सारी बात बताती है ना, तो उसकी बातों से जॉन बाथविक को लग जाता है कि ये बहुत नीडी है, उसका हस्बैंड भी अनएम्प्लॉयड है, उसको मारता कूटता भी है और सब। पहले तो वो इधर उधर की बात पूछता रहता है उससे, उसको क्लियरली कुछ नहीं कहता है वो जो जोन्स के बारे में, लेकिन जब भी वो पूछता है यानी उसके हस्बैंड के बारे में मिसेस जोन्स के, तो वो हमेशा उसके लिए अच्छा ही बोलती है। वो उसके लिए ये नहीं बोलती है कि वो बिगड़ा हुआ है, कि कैरेक्टरलेस है, वो हर बार ये बात बोलती है कि वो सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, अदरवाइज़ वो अपने परिवार से, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये बेचारी बड़ी ऑनेस्ट लेडी होती है। तो जॉन बाथविक जब उससे बातचीत कर रहा था तो उसको बोलता है कि तुम्हें दिक्कत तो आती होगी इतनी, तुम कैसे क्या अपना घर कैसे चलाती हो,
इसी दौरान वो सारी बात बताती है कि क्योंकि जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है वो एक इस तरह से बोलती है क्योंकि वो एक ग्रूम था ओके, और उसका अच्छा काम वाम चल रहा था तो, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से उसका काम में बहुत प्रॉब्लम आ गई, जोन्स के काम में, तो उसको काम ही नहीं मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयड हो गया है। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो अच्छा बिहेवियर करता है तुम्हारे साथ? बोले नहीं, कभी कभी जब वो शराब पी लेता है, क्योंकि वो अक्सर खाली पेट होता है, उस बेचारे के पास तो खाने को भी, उन लोगों के पास ढंग से नहीं होते, तो क्योंकि खाली पेट बोले शराब उसके दिमाग पे चढ़ जाती है तो वो उसके साथ मारपीट करता है, उसको बोलता है अदरवाइज ही इज़ ए गुड पर्सन, वो बिगड़ा हुआ नहीं है। फिर वो जब जाने लगती है, जब उससे सारी बातचीत और सब इंक्वायरी कर लेता है, तो उसके बाद में बाथविक जो है वो मिसेस बाथविक को, मिसेस जोन्स को एक बात बोलता है कि बाय द वे मिसेस जोन्स, मैं आपको बता दूं कि जो सिल्वर सीक्रेट बॉक्स जो है हमारे घर का जो है ना, वो मिसिंग है। तो बोलती मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। बोले हाँ सही बात है, बोले देखा होता तो मैं, वो उसको बोलता है ना कि बाय द वे मिसेस जोन्स आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर टू टेल यू, बोले मैं आपको क्लियरली बात बता देता हूँ, सिल्वर सीक्रेट बॉक्स इज मिसिंग। तो मिसेस जोन्स बोलती है आई एम वेरी सॉरी सर, बात यस यू हैव नॉट सीन इट आई सपोज। मिसेस जोन्स पूछती है ओके वेयर वॉज इट सर, इफ यू प्लीज सर। वो बहुत ही पोलाइट भी होती है। तो बात भी बोलता है कि वेयर डिड मोलो से, इन दिस रूम, यस इन दिस रूम, नो सर आई हैव नॉट सीन इट ऑफ कोर्स, इफ आई हैड सीन इट आई शुड हैव नोटिस्ड इट। बोले मैंने अगर कभी देखा होता तो उसको कभी नोटिस किया होता और आपको बता भी देती। बोले हाँ हो सकता है आपने नहीं देखा हो, यू आर श्योर ऑफ दैट? यस सर, वो बोलती है आई हैव नॉट सीन इट एंड ऑफ कोर्स आई डोंट नो वेयर इट इज। शी टर्न्स एंड गोज क्वाइटली आउट, वो चुपचाप चली जाती है। वो तीनों बाथविक्स एक दूसरे का, द थ्री बाथविक्स अवॉइड ईच अदर्स ग्लांसेस, वो एक दूसरे को जैसे नजरें चुराते रहते हैं। लेकिन मिसेस जोन्स को एक बात तो क्लियर हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है क्योंकि वो गरीब है, नीडी है, चाहे वो उसने सिल्वर बॉक्स देखा है या कभी नहीं देखा है, वो उसने हाँ कर दी ज़रूर जॉन बाथविक ने, लेकिन उसको उस पर शक तो हुआ है कि वो जो सिल्वर बॉक्स है वो मिसेस जोन्स ने ही चुराया है, ऐसा उसको आभास तो हो जाता है, उसको लग जाता है।